बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल डूइंग गुड। यस, आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारी इंस्टाग्राम पे 10K फैमिली हो चुकी है। वैसे तो कल हो चुकी थी, लेकिन मैंने आज ब्लॉग बनाया क्योंकि हो सकता था कि वो कम हो जाए तो फिर बाद में बुरा लगता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया कि 10K से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम ब्लॉग बना लेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो यस, अब 10.5K समथिंग हो चुके हैं फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो यस आई एम हैप्पी। तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और मुझको भी, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी प्यार दिखाइए और यूट्यूब पर भी दिखाइए। तो चलो बातें हैं मुद्दे पर। आपको जैसे कि पता है भाई 31 की राखी है, 31 की राखी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30 की है, बहुत सारे कह रहे हैं 31 की। तो आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे कब की है। हमने पंडित जी से पूछा था तो वो तो यही कह रहे हैं कि 31 को राखी है, तो हमें राखी भी लानी है और क्या कहते हैं और राखी लानी है और क्या लाना है भूल गई, लेकिन अभी क्लिप नहीं कटेगी। मम्मी आ गई? तो गाइस हाँ, तो राखी भी लानी है, क्या कहते हैं, दो तीन चीजें और लानी है। दूसरी चीज की देखते हैं कुछ क्या है। क्यों नहीं, क्यों अच्छा आ रहा है? अबे तो क्या हो गया, अबे कोई दिक्कत नहीं, देख पास आ, पास आ के देख, बुरी कहाँ आ रही है, अच्छी तो आ रही है, नहीं यार बढ़िया आ रही है। तो गाइज इसलिए हम जा रहे हैं जनकपुर मार्केट, यही लेके जा रहा है मम्मी और मैं जा रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान है बुलाना है, मेन चीज़ तो राखी है बुलानी है, क्योंकि अभी कुछ दिन हमारे बहुत बिजी स्केड्यूल है। तो गाइज अब हम जा रहे हैं जनकपुर मार्केट। Keep you in my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. I say go paise chukri hai, are mazak kar rahe, hamare hi paise gir gaye the, wo utha bahut madad kar diya aapne, haath hila aise help karte hain, apna pet le aana bhi kuch pet le aana mummy। चलो फाइनली गाइज हमें गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई है बड़ी मुश्किलों से। अब हमने अपनी मम्मी कहाँ उतारी बेचारी, देखते हैं कहाँ हो रही मम्मी, पतंजलि स्टोर हो रहा, पहले वहाँ से भी कुछ ले लेते हैं। मेहंदी वाले भैया मेहंदी लगाओगे, कितने की लगाओगे? आपकी शक्ल देख के तो आपका ठन्नी भी ना मिले। बैठू लगा दो भैया मेहंदी, डिजाइन क्या क्या है भैया? डिजाइन नहीं, हमारे पास अलग टाइप की मेहंदी है, बस कर गाइस देखो हिसाब लगा रही है कि कितने राखी लेने हैं, कितनी 8-9 राखी। और भाई पहली बार नकुल ने मुझे कवर दिलाया फोन का, थैंक यू भाई, कैसे दिखाऊं अबे गाइस बाद में दिखाऊंगी, इसने दिलाया, ये इसका है और मेरा इससे भी अच्छा है। गुड्डा देखो, गुड्डा देखो क्या ही होगा, इसे निकाल दो एक, हमने सीटों के लिए भी राखी लिया भाई, एक दे दो, कौन सा कलर मम्मी ये वाला ले दो। जस्ट वांट टू ईच गोल गप्पा, तब बताओ क्या बोला हिंदी में, बताओ क्या बोला मैंने, गोल गप्पे खाने, नहीं मैंने बोला कि मम्मी मुझे गोल गप्पे का स्टॉल खोलना है, हाँ ये बोला है, आई वॉन्ट टू ईट गोल गप्पे, क्या है बताओ इसका मतलब। इस 10K की खुशी में हम केक लेने आ गए, बता। सो फाइनली गाइस शॉपिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया घर के लिए, और मम्मी आ रही है, मम्मी मोमोज ले रही है, इतने हम गाड़ी निकाल के फटाफट से मम्मी के पास पहुँचना है, फिर घर जाना है। टुनटुन मौसी वाह वाह। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल डूइंग गुड। और आप सब कैसे हो जल्दी जल्दी से बता दो। तो आज हम जा रहे हैं, आज वैसे मैं आपको बता दूँ कि मम्मी और पापा घर पे नहीं है, तो मम्मी ने बोला था कि क्या कहते हैं तुम लोग जा सकते हो, मतलब ठीक है जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है आपको पता ही है, तो फिर जिसे नहीं पता मैं बता दूँ 28 को है मेरा बर्थडे, और उस दिन मैं कहीं जा रही हूँ, वो कहाँ जा रही हूँ वो मैं उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाऊंगी, हाँ उस दिन मैं ब्लॉग, ये देखो ये भी आ रखी है आज, ठीक है
अब ये कौन है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन है गवार, तो अब मैं आपको मैं ये पास से दिखाऊंगी। ये है पूजा कसाना, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप इसे मेरी बहन बोल सकते हो, मदर, सॉरी मदर फ्रॉम अनदर मदर, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, यही तो होता है ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसी सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। और भाई तो आज घर पे हम दोनों हैं, मतलब ये आ गई थी, इसने लंच भी यहीं पे किया, भूखी नंगी ठीक है। तो अब ये मेकअप कर रही है, फिर उसके बाद हम रेडी होकर जा रहे हैं, मूवी देखेंगे और फिर क्या करेंगे, अभी प्लान तो यही बना है हमारा। अब यार इतनी क्रिंज बातें करते हैं गाइस, तो प्लान तो अभी हमारे यही, तू नहीं करती, मैं करती हूँ, किसी को भी लग सकता, सुंदर लड़के, तू तो वो बात कर रही है, आंटी आंटी तो वो बात कर रही है, लड़की सुंदर है तो वो टट्टी नहीं कर सकती क्या बात है भाई। तो गाइज अभी तक तो यही प्लान बना है हमारा, इसका और मेरा, कि हम मूवी देखेंगे, मूवी कौन सी देखेंगे अभी डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं कौन सी देखेंगे ठीक है, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर बस इतना ही बहुत है हमारा तो आपस में। गाइज देखो ज्यादा बड़ी लंडेर तो नहीं है, एक दो दोस्त और थे वो आए नहीं ठीक है, वो वी आई पी है, वी आई पी लोग है कुछ, वो आए नहीं, तो भाई अपने आप समझ जाओ मैं किसे बोल रही हूँ ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि पूजा में जा रहे हैं, आंटी थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट कर ले, घर का थोड़ा साफ सफाई रह रही है। बाय आंटी, कोई भी लगा ले। हाँ तो गाइज मैं आपको दिखा दूँ, तो अब हम जल्दी फटाफट से जाते हैं, लेट भी हो रहे हैं, मूवी टाइमिंग हमारी कितने बजे की है, 2:20 की, अगर मूवी देखी तो बाकी देखते हैं ठीक है, तो वहीं मिलते हैं। जैसे मैं अभी दिखाती हूँ इसी हरकतें, अब हाय बोल दो व्लॉग में, सुंदर आ रहे हो, ये देखो कि ओ प्यारी आ रही है, ऐसे कर अच्छी सी क्यूट लग रही है, कुछ ऐसा करते थंबनेल बना दूंगे ना जरा कसाना, ये लगाऊं न्यूड ना यार, याद है ऐसे ऐसी ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही, पहले भी करा हमने, हाँ ये सारा फैला दिया। और गाइस मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, तो गाइस फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर हम शायद नीचे जाएं, नीचे आके थोड़े बहुत फोटोशूट वगैरह कराएं, फोटोज खिंचवा के फिर हम जाएंगे, बताऊँ तो भी हमारा कुछ प्लान नहीं है, तो आप व्लॉग में बने रहो, जो जो करते जाएंगे दिखाते जाएंगे। तो यस मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, सब काम करके जा चुके हैं, ये रेडी नहीं हुई, और ये मुझसे जब से कह रही है कि मैं रेडी हो जाऊंगी 2 मिनट में, भाई 2 ही मिनट लगते हैं यार, 2 मिनट कहाँ लग रहे हैं, आधा घंटा हो गया, तो आधा घंटा ही तो होगा। सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं, जरा हाथ में जूते लेके जा रही है मैडम ठीक है, ये चलते चलते जूते पहनेंगे, फोटोज भी लेनी है ब्रो, अब हम कहीं फोटो लेनी है, वाइट बैकग्राउंड पे, व्हाइट, अब तेरे व्हाइट कहाँ से ढूंढ, पेड़ों में चूजे लगते हैं, आशी लगते हैं पेड़ों में लेते हुए एक तरफ तू लटकी हो, एक तरफ मैं लटकूंगी और दिल बनाएंगे। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो गाइस गाइस शी इज पूजा कसाना, मैंने गाइस ये ऐसी है, मेरा सुंदर लग रही हूं ना, हां पीछे अंकल आ रहे हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मूवी देखने, 20 के टाइम निकल गया, मैम थोड़ा जल्दी कर दो हमारी मूवी टाइम निकल गया, गाइस देखो ये शर्मा रही है, गाइस अब इंटरवल हो गया, आप क्या बताना चाहोगे कि आपको कैसी लग रही है मूवी, बहुत अच्छी है ना, अच्छी इसी के नाम का है वो पूजा, बाय द वे हमें यहाँ खड़ा नहीं होना, हमें उस तरफ खड़ा होना है, यस सच के गाए हैं, सही तो लगे, प्यारी लग रही है। फाइनली गाइस मूवी खत्म हो चुकी है, कैसी लगी, पॉपकॉर्न खत्म नहीं हुए लेकिन हमारे, कैसी लगी फर्स्ट पार्ट, अच्छा था यार, अंशुमन ने तो भाई मजा मान दिया है ना, फर्स्ट पार्ट अच्छा था। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर, पूजा जा चुकी है अपने घर, में आ चुकी हूँ अपने घर, बज गए हैं 5:00, तो भाई हम टाइम से आ गए, टाइम से गए, टाइम से आ चुके हैं, और ये रहा मेरा गुड्डू, मेरा बेटा दीदू को मिस कर रहा था, चल रहा है घूमी, इधर आओ घूमी, चले घूमी 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 घूमी, जा रही हूँ मैं तो घूमी जा रही हूँ, गाइस ऐसे आता नहीं है पास में, गुड्डा मैं जा रही हूँ, चलो मैं तो जा रही हूँ भाई ठीक है, अच्छा मेरा बेटी मेरी क्यों नहीं, अब चलो घूमी चल रहे, घूमी चल रहे दीदू शाह, हाय कर दो व्लॉग में, हेलो हेलो गाइज बोलो, हेलो
हेलो गाइज, ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा शैतान है, बड़ा ड्रामे करता है। गाइज मूवी तो बढ़िया थी, गदर गदर भी अच्छी थी। गदर तो नहीं देखी हमने, हमने देखी ड्रीम गर्ल और उसका पहला पार्ट भी देखा हुआ था, तो अगर पहला पार्ट देखा होगा तो समझ में आएगी, अगर नहीं देखा होगा तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन मूवी अच्छी थी। और भाई आयुष्मान खुराना, बाय गॉड बंदा मेरा फेवरेट हो गया, मतलब भाई बंदे ने ऐसा डांस किया है ना आयुष्मान खुराना की, तो भाई मैं तगड़ी वाली हार्डकोर फैन हो चुकी हूँ। बंदे ने क्या डांस किया है, बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई, नौरा फतेह भी फेल कर दी बंदे ने। और हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई गदर अच्छी लगी है, ये तो ये अपनी जगह अच्छी है, ये फनी है, ये अच्छी है, और गदर तो देखो है ही अच्छी, तो दोनों ही मूवी अच्छी है। अगर आपने ड्रीम गर्ल देखनी है तो उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखे बिना समझ में आएगी नहीं, एकदम सिमिलर स्टोरी है। तो यस, और मुझे तो अच्छी लगी यार ड्रीम गर्ल भी अच्छी लगी, क्योंकि हंसी मजाक ज़्यादा है। और गाइज दूसरी चीज़, हम सबको क्या है कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे 10K फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और साथ के साथ आप लोगों को जैसे इंस्टाग्राम पे प्यार दिखा रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ भी प्यार दिखाना है। यहाँ पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो थोड़ी सी एक मोटिवेशन आ जाएगी कि हाँ हमने एक लाइन क्रॉस कर दी है कि 1000 हो चुके हैं, तो आप जल्दी जल्दी से यहाँ पे भी 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो। इसी तरीके से अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, ये तो अभी शुरुआत है, अभी और अच्छे व्लॉग्स आने हैं, तो गाइस सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, ठीक है। आप लोगों का प्यार जब इंस्टाग्राम पे इतना सारा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो ज़रूर सपोर्ट करो। और मैं कैसी लग रही थी ज़रूर बताना। वैसे तो देखो आज मुझे इस ड्रेस में फ़ोटो लेनी थी बट मैं ले नहीं पाई, मतलब ली है 2-3 पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मतलब मुझे अच्छे से नहीं लगी वो फोटोज़, लेकिन मैं दोबारा खिंचवाऊंगी अच्छे से रेडी होकर। आज तो मैं जल्दी जल्दी चली गई क्योंकि घर का भी थोड़ा सा काम करना था, घर पर मम्मी नहीं थी, और वेट मम्मी पापा दोनों नहीं थे घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ऐसे चले जाते हैं। और कोई बात नहीं, आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, टाटा बाय बाय, लव यू।